हमीरपुर और कांगड़ा की हसीन वादियों में बनाए गए धार्मिक गाने मेरे शिव की लॉन्चिंग की गई। ये गाना पम्मी ठाकुर की यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच में उपलब्ध रहेगा। हमीरपुर में एक निजी होटल में समाज सेवी संजय शर्मा के द्वारा गाने की लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग के अवसर पर पम्मी ठाकुर ने इस गाने के बारे में बताया कि पहाड़ी धुनों पर आधारित ये एक मनमोहक शिव भजन है। इस गाने को उनके साथ उभरते गायक उमंग शर्मा ने गाया है। वीडियो का निर्देशन सुशील गोगी ने किया है। उन्होंने कहा कि इस भजन का फिल्मांकन हमीरपुर और कांगड़ा की हसीन वादियों में हुआ है और ये भजन आम जनता के दिलों को छू जाएगा। गायक पम्मी ठाकुर ने बताया कि अधिकतर हिमाचली गीत पुरानी लोकधुनों पर आधारित रहते हैं और अब नए समय की आवश्यकता के अनुसार हिमाचली म्यूजिक इंडस्ट्री को नए संगीतकारों पर गीतकारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कलाकारों की आजीविका पर गहरा प्रभाव है और सरकार को इस इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। सर, ये भोले शंकर जी का एक फोक सॉन्ग है और इसका टाइटल हमने रखा है मेरे शिव। तो बहुत अच्छा गाना ये बन गया है क्योंकि इसका म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सुशील कुमार गोगी जी और वीडियो डायरेक्टर डोनी राणा जी, और जिस इस गाने को जिसने एडिट किया है, एडिटिंग किया है, वो हैं सनी सांडिल जी। तो ये काफ़ी ये फेमस हिमाचल में नाम है जिनके द्वारा ये काम किया गया, और बाकी हमने कोशिश की है इसको निभाने की क्योंकि हिमाचल के ट्रेडिशनल सॉन्ग है ये, जिनको हमने थोड़ा सा मतलब अपने मॉडिफाई करके नया करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे पहले भी काफ़ी मेरे गानों को पसंद किया सारी ऑडियंस ने, तो ये गाना भी उनको एक सुनने को अच्छा लगेगा। बोलता रहंदा ऊपर कैलाशा हो, जटा दे बिच गंगा जी दा बासा हो, शंभुता मेरा नंदी दी सवारी हो, गौरा माँ जो लगे बड़ी प्यारी हो। तो मेरे छोटे भाई ने भी साथ में गाया है इनका पार्ट अपना। मैं मस्ती दे बिच रहना, मैं गुण तेरा ही गाना, मैं मस्ती दे बिच रहना, मैं गुण तेरा ही गाना, दुनिया तो कुछ ना लेना भोले बाबा जी, दुनिया तो कुछ ना लेना भोले बाबा जी। गौरतलब है कि पम्मी ठाकुर 2006 से संगीत की दुनिया में अपनी प्रतिभा से अपना मुकाम बनाए हैं। उन्होंने मास्टर सलीम और लखविंदर बडाली जैसे गायकों के साथ कई बार मंच साझा किया है। अब तक पम्मी ठाकुर कोई 500 से अधिक गानों में अपनी कनकती आवाज दे चुके हैं और पम्मी ठाकुर 13 एल्बम लॉन्च कर चुके हैं। गाने की लॉन्चिंग के अवसर पर प्रसिद्ध समाज सेवी संजय शर्मा, संगीत गुरु धर्मपाल शामिल रहे।